लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 25 अप्रैल को आदि शंकराचार्य जी की जयंती है, इन्हीं पर आज का बाल संस्कार केंद्रित है। जब जब वसुधा पर धर्म का होने लगता रास है, तब तब अवतरित हो संत सुमन, फैलाते धर्म सुवास है। जब भारत में तांत्रिक और कापालिक समुदाय भी धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे थे, ऐसे समय में पूरे भारत में पुनः सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए जिन महापुरुष का आविर्भाव हुआ था, वे थे श्रीमद् आद्य शंकराचार्य। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी का जीवन काल मात्र 32 वर्ष का था। उनकी अल्प आयु में ही उनके पिता का देहावसान हो गया था। उन्होंने मृत्यु को निकट से देखा। छोटी सी उम्र में ही वैराग्य के बीज उनके कोमल चित्त में अंकुरित हो गए। लगभग 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने चारों वेदों व वेदांगों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। अब बालक शंकर को ब्रह्म जिज्ञासा हुई, अतः किन्हीं ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की खोज में वे अपने घर से निकल पड़े। श्री गोविंद पादाचार्य जी को पाकर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु से विनीत भाव से प्रार्थना की, भगवान मुझे ब्रह्म ज्ञान से अनुग्रहित करें। गुरु गोविंद पादाचार्य जी ने बालक शंकर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें विधिवत संन्यास की दीक्षा दी। वे गुरु चरणों में रहकर ब्रह्म सूत्र, महावाक्य, चतुष्टय आदि की गहन शिक्षा लेने लगे। एक बार नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई। नदी का पानी बढ़कर गुरु गोविंद पादाचार्य जी की गुफा तक पहुंच गया। वे ध्यान में लीन थे। पानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। परिस्थिति बड़ी विकट थी, पर शंकर की गुरु भक्ति व सेवा निष्ठा भी अटूट थी। शंकर ने उठाया अपना कमंडल और गुफा के द्वार पर रख दिया। बस नर्मदा की बाढ़ उसी कमंडल में अंतर्लीन हो गई। शंकर का समर्पण और ब्रह्मज्ञान पाने की तड़प देखकर गुरुदेव का हृदय छलक पड़ा और गुरु कृपा ने शंकर को स्वस्वरूप ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर दिया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तब से बालक शंकर का नाम आद्य शंकराचार्य जी हो गया। इन्हीं शंकराचार्य जी ने वेदांत का प्रचार किया। भारतीय संस्कृति में प्रविष्ट हो चुके पलायनवाद, दुखवाद, भेद दर्शन, भ्रष्टाचार आदि दोषों को हटाया। 16 वर्ष की नन्ही सी उम्र में ही ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने वाले, पूरे भारत में वैदिक ज्ञान तथा सनातन ज्ञान का डंका बजाने वाले उन महापुरुष श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। Thank you.
बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गणपते नमः। ॐ गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर् मूर्तिः पूजा मूलं गुरुः पदं मंत्र मूलं गुरोर् वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोः कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु का स्वरूप ही ध्यान का मूल है, गुरु के चरण ही पूजा का मूल है, गुरु की वाणी ही मूल मंत्र है, गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। जो तत्व पूरे ब्रह्मांड में सभी चर अचर प्राणियों में व्याप्त है, उस अवस्था का जिसने साक्षात्कार करना संभव किया, उन महान गुरु को मेरा नमस्कार है। कहानी आदि शंकराचार्य जी का जीवन। श्री शंकराचार्य जी के यश तेज और प्रभाव से तत्कालीन तांत्रिकों और कापालिकों का प्रभाव घटने लगा था, अतः वे शंकराचार्य जी से द्वेष करने लगे तथा उनकी हत्या करने का अवसर खोज रहे थे। एक बार उग्र भैरव नामक कापालिक ने आद्य शंकराचार्य जी को एकांत में बैठे हुए देखा। वो कपट पूर्वक उनकी हत्या के उद्देश्य से आचार्य के पास गया और उनसे बोला, मैंने कैलाश जाकर महादेव के साथ रमण करने के लिए कई वर्षों तक अत्यंत उग्र तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, यदि तुम किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के सिर का हवन करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसी दिन से मैं महापुरुष की खोज में लगा हूँ। आज सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। आपने परोपकार के लिए शरीर धारण किया है, अतः आप मेरा मनोरथ पूरा करें। शंकराचार्य जी ने कहा, ये शरीर एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है। यदि इस शरीर से किसी दूसरे का अर्थ सिद्ध हो जाए तो ये मनुष्य का बड़ा भारी पुरुषार्थ है, किंतु मेरे शिष्यों के सामने तुम मेरा सिर नहीं ले सकोगे। तुम कोई ऐसा समय और स्थान निश्चित करो कि जहां मेरे शिष्य न देख सकें। उग्र भैरव, महाराज अमावस्या की रात को आप श्री शैल पर्वत पर पधारिए, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। शंकराचार्य जी नियत समय पर श्री शैल पर्वत पर पहुंच गए। वो पर्वत उस समय कापालिकों का गढ़ था। वहां पहले से ही त्रिशूल तलवार आदि तैयार रखे हुए थे। कापालिक बोला, महाराज आप इस शिला पर बैठ जाइए। इस यज्ञ कुंड में आपके सिर का होम कर दिया जाएगा और मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। शंकराचार्य जी, तनिक ठहरो, मैं जरा ध्यानस्थ हो जाऊं। ये शरीर मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, जन्म और मरण मैं नहीं हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम की अनुभूति में मैं जरा समाधिस्थ हो जाऊं, फिर तुम अपना काम कर लेना। शंकराचार्य जी समाधिस्थ हो गए अपने परमेश्वरीय स्वभाव में। वे परमेश्वर स्वभाव में बैठ गए तो प्रकृति में उथल पुथल मच गई। शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपाद को स्वप्न आया
जिसमें ये सारा दृश्य दिखाई पड़ा। दृश्य देखकर पद्मपाद ने अपने इष्ट देव नृसिंह भगवान से प्रार्थना की, मेरे गुरुदेव की रक्षा करें प्रभु। भगवान नृसिंह का सूक्ष्म तत्व पद्मपाद में प्रविष्ट हो गया। वे गर्जना करते हुए उसी पर्वत की ओर भागे जहां कापालिक लोग तैयार थे। जिस तलवार से कापालिक शंकराचार्य जी का मस्तक काटना चाहता था, उसी तलवार से नृसिंह भगवान ने कापालिक का ही सिर काटकर यज्ञ कुंड में होम कर दिया। फिर वे गर्जने लगे। उनकी गर्जना सुनकर शंकराचार्य जी की समाधि खुल गई। आचार्य ने देखा कि पद्मपाद में तो नृसिंह भगवान का आवेश आया है। उन्होंने प्रार्थना की तो नृसिंह भगवान शिष्य में से अंतर्धान हो गए और आचार्य कुशल क्षेम पूर्वक अपने निवास पर पहुंच गए। अनेकों विरोधों के बावजूद भी आचार्य मानव कल्याण के कार्यों में डटे रहे। सनातन धर्म की रक्षा में उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। काश ऐसे महापुरुषों की उपस्थिति काल में समाज उनसे पूर्ण लाभ उठाए तो कितना अच्छा हो। गोरखनाथ जी ने कहा है, गोरख जागता नर सेविए, यानी हयात महापुरुष के संपर्क में रहने से जो फायदा होता है वो उनके जाने के बाद मंदिरों में दर्शन करने से नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में जाना ही भगवान की कृपा की पराकाष्ठा है और यही हमारा सबसे बढ़िया भाग्य है। साखियां, अब हम गाएंगे बच्चों के जीवन में सद्गुणों का संचार करने के लिए उपयोगी साखियां। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश। मैं बालक तेरा प्रभु जानू योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे दे दो ये वरदान। भयनाशन दुर्मति हरणा कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। आलस कब हूँ न कीजिए आलस अरि समझानी, आलस से विद्या घटे बल बुद्धि की हानि। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत राम भरोसो एक। परिप्रश्नेन, प्रश्न, परम तप क्या है? उत्तर, तपहसु सर्वेषु एकाग्रता परम तपह, सब तपों में एकाग्रता परम तप है। एकाग्रता से सामर्थ्य का भंडार खुलता है। आइंस्टाइन बचपन में बहुत ही पीछे थे। एक दिन उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा, क्या मैं सुयोग्य बन सकता हूँ? अध्यापक बोले, बेटा, तत्परता व एकाग्रता से ही जीवन में महान बना जा सकता है। आइंस्टाइन संयम, ध्यान व एकाग्रता के अभ्यास में तत्पर हो गए। इससे उनकी बुद्धि विकसित हुई और वे एक वैज्ञानिक के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। भारतीय संस्कृति के खजाने का सदुपयोग करके ऐसे बुद्धू विद्यार्थी भी महान बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? खोज लो किन्हीं महापुरुष को और तत्पर हो जाओ। एकाग्रता बढ़ाने के सरल उपाय। रुचि एकाग्रता की जननी है। रुचि कैसे पैदा करें? अपने को कठिन लगने वाले विषय में जिनकी रुचि है और जिन्होंने उसमें उत्तम सफलता भी प्राप्त की है, उनका संग करके ज्ञान व रुचि बढ़ाएं। जो पाठ आज पढ़ाया जाने वाला है
उस पर एक नजर डालकर विद्यालय जाओ। इससे जब वो पढ़ाया जाएगा, आप अपने आप एकाग्र हो जाओगे। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं, गहरे श्वास लें व ओम का लंबा उच्चारण करें। प्रतिदिन 8-10 प्राणायाम करें। रोज त्राटक करें। भगवान या सदगुरु के श्री चित्र को एक टक देखें। सारस्वती मंत्र का मानसिक जप स्मरण करते हुए ध्यान में बैठें, फिर अध्ययन करें। हो सके उतना मौन रखें, शांत मन ही एकाग्र हो सकता है। हे विद्यार्थियों, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एकाग्रता रूपी तप से जगत की तुच्छ चीजें तो क्या जगदीश्वर को भी पा सकते हो। संस्कृति सुवास, सिर का सहज सुरक्षा कवच टोपी। पूर्व काल में हमारे दादा परदादा नियमित रूप से टोपी या पगड़ी पहनते थे और महिलाएं हमेशा सिर ढककर रखती थीं। इस कारण उन्हें समय से पूर्व बाल सफेद होना, अत्यधिक बाल झड़ना यानी गंजापन, सर्दी होना, सिर दर्द होना तथा आंख, कान, नाक के बहुत से रोग, इनका इतना सामना नहीं करना पड़ता था। आयुर्वेद कहता है, मस्तक पर ऊष्णीश यानी पगड़ी, साफा, टोपी आदि धारण करना कांति की वृद्धि करने वाला, केश के लिए हितकारी, धूली को दूर करने वाला अर्थात धूली से बालों को बचाने वाला और वात तथा कफ का नाशक होता है। धूप से अपने सिर की रक्षा करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। धूप में नंगे सिर घूमने से सिर, आंख, नाक व कान के अनेक रोग होते हैं। सिर में गर्म हवा लगने एवं बारिश का पानी पड़ने से भी अनेक रोग होते हैं। धूप के दुष्प्रभाव से ज्ञान तंतुओं को क्षति पहुंचती है, जिससे याद शक्ति कम हो जाती है। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा एवं होठों के कैंसर का महत्वपूर्ण कारण मानी जाती हैं। ये किरणें कांच बिंदु जैसी आंखों की विकृतियों को भी जन्म देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी टोपियां जिनमें किनारों पर कम से कम 3 इंच की पट्टी चारों तरफ लगी है, सिर, चेहरा, कानों तथा गले को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं, जिससे स्किन कैंसर से बचाव हो जाता है। घुमावदार टोपियां अधिक उपयुक्त होती हैं। यदि आप अपने शरीर के उपरोक्त महत्वपूर्ण अंगों की कार्यक्षमता लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो धूप से अपने सिर की रक्षा कीजिए। इसके लिए टोपी अत्यंत सुविधाजनक तथा उपयोगी है। चुनाव प्रचार में बांटने वाली सिंथेटिक टोपियां लाभकारी नहीं होती। टोपियां मोटे कपड़े की होनी चाहिए। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की थी? ए कपिल मुनि, बी भगवान वेदव्यास, सी ऋषि वाल्मीकि, डी ऋषि वशिष्ठ। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला भ्रामरी प्राणायाम हमारे ऋषियों की एक विलक्षण खोज है। भ्रामरी प्राणायाम द्वारा मस्तिष्क की कोशिकाओं में स्पंदन होता है, जो एसिटाइल कोलीन, डोपामीन तथा प्रोटीन के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट का कार्य करता है, जिससे स्मरण शक्ति का चमत्कारिक विकास होता है। विधि। प्रातःकाल शौच स्नानादि से निवृत्त होकर किसी स्वच्छ आसन पर पलथी मार के बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। कमर व गर्दन एक सीध में रहें। अब दोनों हाथों की अंगूठे के पास वाली उंगली से
अपने दोनों कानों के छिद्रों को बंद कर लें। इसके बाद खूब गहरा श्वास लेकर कुछ समय तक रोके रखें। तत्पश्चात मुख बंद करके श्वास छोड़ते हुए भौरे के गुंजन की तरह ओम का लंबा गुंजन करें। श्वास लेने तथा छोड़ने की क्रिया नथुनों के द्वारा ही होनी चाहिए। मुख के द्वारा श्वास लेना अथवा छोड़ना निषिद्ध है। श्वास छोड़ते समय होंठ बंद रखें तथा ऊपर व नीचे के दांतों के बीच कुछ फासला रखें। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे आपकी श्वास लेने तथा रोकने की क्षमता स्वतः ही बढ़ती जाएगी। हर बार श्वास छोड़ते समय ओम का गुंजन करें। इस गुंजन द्वारा मस्तिष्क की कोशिकाओं में हो रहे स्पंदन यानी कंपन पर अपने मन को एकाग्र रखें। प्रारंभ में सुबह, दोपहर अथवा शाम जिस संध्या में समय मिलता हो, इस प्राणायाम का नियमित रूप से 10-10 मिनट अभ्यास करें। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। आज की गतिविधि में सभी बच्चे जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के आधार पर ये मिलान करेंगे कि किस समय क्या करना चाहिए। प्रातः 3 से 5, प्रातः 5 से 7, सुबह 7 से 9, 9 से 11, दोपहर 12 बजे के आसपास, दोपहर 1 से 3, शाम 5 से 7, सूर्यास्त के समय, रात्रि 7 से 9, रात्रि 9 से 11, रात्रि 11 से 3। आज की गतिविधि का सही उत्तर, प्रातः 3 से 5, गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना। प्रातः 5 से 7, मल त्याग एवं स्नान करना। सुबह 7 से 9, दूध अथवा फलों का रस। 9 से 11, भोजन करना। दोपहर 12 बजे के आसपास मध्यान्ह संध्या, भोजन वर्जित। दोपहर 1 से 3, भोजन के 2 घंटे बाद पानी पीना। शाम 5 से 7, हल्का भोजन। सूर्यास्त के समय, संध्या काल। रात्रि 7 से 9, विद्या अध्ययन अथवा दिमागी कार्य। रात्रि 9 से 11, सर्वाधिक विश्रांति प्रदायक नींद। रात्रि 11 से 3, जागरण वर्जित। स्वास्थ्य सुरक्षा। गर्मियों में विशेष लाभदायी सत्तू। ग्रीष्म ऋतु में जौ मिश्रित चने का सत्तू अत्यंत लाभदायी होता है। ये बल वीर्य वर्धक, वजन बढ़ाने में सहायक, रुचिकर, तृप्तिकारक, श्रम नाशक, प्यास व कफ पित्त शामक, घाव एवं आँखों के रोगों में लाभदायी है। चने को भून के छिलके अलग कर लें। इनमें चने की अपेक्षा 1/4 भुने जौ मिलाकर पीस के सत्तू तैयार करें। सत्तू में शीतल जल, मिश्री तथा संभव हो तो घी मिलाकर न अधिक गाढ़ा न अधिक पतला घोल बना के पीना चाहिए। खून बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए गन्ने का रस पिए। बेल का फल सुखाकर उसके गुदे के चूर्ण में मिश्री मिलाकर लेने से भी खून की बढ़ोतरी होती है। गर्मी के कारण बीमारियां, धनिया, आंवला, मिश्री समभाग पीस के रख दें। 1 चम्मच रात को भिगो दें और सुबह मसल के पिए तो सिरदर्द में आराम हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, मूत्रदाह नक्सीर में आराम होगा, लू से रक्षा होगी और पेट भी साफ रहेगा। ज्ञान का चुटकुला। अध्यापक, राघव तुम बड़े होकर क्या बनोगे? राघव, सर मैं आपकी तरह शिक्षक बनूंगा। अध्यापक, बहुत अच्छे, तुम एक अच्छे और होनहार लड़के हो, लेकिन तुम शिक्षक क्यों बनना चाहते हो? राघव, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी अपने से छोटे बच्चों को पीटने में बहुत मजा आता है। सीख।
दूसरों के अच्छे गुण अपने में लाने चाहिए और दूसरों के दोषों की चर्चा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भजन। अब बारी है भजन की। सभी बच्चे गाएंगे आद्य शंकराचार्य जी द्वारा रचित भज गोविंदम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुक्रय करणे। सुन लो शंकराचार्य जी के वचन जो खोल देते हैं ज्ञान के अंजन। हे मित्र, बुद्धि का न करो अभिमान, सतगुरु है गोविंद स्वरूप, उनको भजो और करो उनका ध्यान। कितनी भी पालोगे डिग्री नौकरी, ये तो बस है एक माया जाल। जब आएगा मृत्यु का काल, सब रह जाएगा और हो जाओगे बेहाल। भजन करो सतगुरु का, भजन करो। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, वित्तम तेन विनोदय चेतम। जो करते हैं पैसा बस पैसा, हाल है उनका मूर्खों जैसा। जिसे पैसे की लालच ना सताए, बुद्धिमान वो सहजता से धन कमाए। जो धन तुमने मेहनत से पाया और प्रारब्ध ने तुम्हें दिलाया, उसे पाकर तृप्त रहो, मन को अपने मस्त रखो। नारी स्तन भर नाभि देशम, दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन्मान सब सादि विकारम, मनसि विचिन्तये वारम वारम। किसी के शरीर के प्यार में अंधे हो जाते हैं नौजवान, याद करते हैं फिर उसी का रूप और मुस्कान। हे विचारवान, हार्ड मांस रक्त विष्टा और चमड़े का है ये थैला, ये शरीर है कितना मैला। बार बार यह विचार मन में लाओ और काम विकार से अपने आप को बचाओ। याव द्वित्तो पार्जन सक्त, स्थावन निज परिवारो रक्त, पश्चात जीवति जर जर देह, वार्ताम कोपिनां प्रेच्छति गेह। जब तक धन कमा लोगे, तुम परिवार के लिए धन कमा लोगे, तब तक परिवार का स्नेह पालोगे, स्नेह पालोगे। आएगा जब बुढ़ापा, तब छा जाएगी निराशा, कोई पूछेगा न तुम्हें, बस कोने में पड़े रहोगे, तुम सोच लो जरा सा। गृह कार्य। सभी बच्चे शंकराचार्य जी द्वारा रचित भज गोविंदम की 5 पंक्तियां कंठस्थ करके आएंगे और अगले सप्ताह बाल संस्कार केंद्र में खड़े होकर सबको सुनाएंगे। जो सही सुनाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। श्री आशा रामायण।
बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। अनश्वर हूँ मैं जानता, सच्चित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु, संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ निराश वलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनी ताला। वहाँ थे क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। वितर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प ज्यो कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्मस्थित आत्म साक्षात्कारी। ओम हरि 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 ओम। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जानन को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी। कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू मल बुलवाया। कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल धाय। नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज अति हर्षाय। भगवत प्रीति देख मन भाए, दत्त कुटीर में सादर लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चसका, अनुष्ठान 40 दिवस का। मरे शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाय। शुभाशुभ समरो ना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो अपमान। तृप्त हो खाना भूख रुप्यास, महलों कुटिया आस निराश। भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुवे समान मग हर ओकाशी। हरि ओम 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 हरि ओम। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग। शंकराचार्य के शिष्य पद्मपादाचार्य, उनका मूल नाम था सनंदन। सनंदन गुरु भक्ति में ऐसा निपुण था, गुरु के वचन को परम कल्याणकारी है ऐसा मानने में इतना आगे था कि दूसरे शिष्यों को सनंदन के प्रति ईर्ष्या सी होने लगी। सनंदन
बाल्यकाल से भगवान नरसी के उपासक थे। नरसी भगवान की उपासना करते करते उनके अंतःकरण के कलमश दोष, कलमश यह है कि ये पालूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, इसको सुधार लूं, उसको कर लूं, इसका नाम है कलमश। मुझे भगवान ही पाना है, कलमश रहित होना। नरसी के उपासक तीव्र तड़प होने से शंकराचार्य तक उनकी तड़प पहुंच गई थी। चंचु गुद्दम जगह है आंध्र प्रदेश में। चंचु गुद्दम गुफा में शंकराचार्य ने उसे आज्ञा दी कि वत्स, वहां जाकर तू अपने इष्ट देव के प्रागत्य का जप करो। आंध्र प्रदेश में चंचु गुद्दम प्रसिद्ध, मानो बालकों के लिए मां का गोद, ऐसे ही संसार से पार होने वाले के लिए चंचु गुद्दम रूपी गुफा मां के गोद जैसी। संसार का आकर्षण, इंद्रियों की चंचलता उस इलाके में सहज में शांत हो जाती। गुफा में जाने की आज्ञा मिली शंकराचार्य भगवान के द्वारा, और आज्ञा के साथ मानो आशीर्वाद भी तो होता है, तुम्हारा मनोरथ फलेगा, मंत्र सिद्धि होगी। गुफा में जप करने लगा, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया, मंत्र में, गुरु में और देवता में संशय नहीं करना चाहिए। जब चालू किया, जब का प्रभाव कहो, प्रकृति की व्यवस्था कहो, ईश्वर की लीला कहो, अति विकास नगरी का राजा बयाना उस तरफ आया और लोगों ने बताया कि यहाँ कोई संत रह रहे, वो किसी की खोज में आए हैं। बयाना बड़ा धर्मात्मा और नियम का पक्का था, वचन बोले तो पूरा किए बिना चैन न पड़े, ऐसा बहादुर महावीर था। अति विकास नगरी के लोगों के भाग्य थे कि ऐसा निष्ठावान राजा उन्हें प्राप्त हुआ। बयानन्ना उस गुफा के बाहर बैठा रहा जब तक महापुरुष पधारते नहीं। पदमपाद बाहर आए, बोले महाराज, जिस गुफा में आप विराज रहे मेरा सौभाग्य है। अति विकास नगरी का मुझे राजा कहते हैं लोग, और मेरा कर्तव्य है कि महापुरुष की सेवा खोज लेनी चाहिए। आप किस खोज में आए, आप कौन सी वस्तु चाहते हैं, आज्ञा करिए, मैं उसको हाजिर कर दूं आपके आगे, चीज वस्तु व्यक्ति। पद्मपाद बताना नहीं चाहते थे कि मैं भगवान नरसी को चाहता हूं, बात टालने के लिए कह दिया कि मैं एक ऐसे प्राणी को चाहता हूं जो सिंह का भी रूप हो और मनुष्य का भी रूप हो, आप उसे कैसे ला सकेंगे। बोले महाराज, मैंने कई जीवित शेरों को पकड़ा है, मेरा दृढ़ संकल्प, कर्तव्य पालन, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये छह चीजें जिसके पास होती है उसको परमात्मा देव पद पद पे मदद करते हैं, ये मैंने गुरु के मुख से सुना है गुरुकुल में। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। महाराज, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसा प्राणी आप चाहते हैं वो प्राणी अगर 24 घंटे में मैंने आपके आगे लाकर बांध बूंद के कैसे भी खड़ा नहीं किया, तो फिर मेरा अति विकास नगरी का राजा होना अथवा मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। मैं उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम का सहारा लेता हूं, और मैं जो ठानता हूं परमेश्वर मेरा मनोरथ पूरा करते हैं। 24 घंटे में आपका नरसी जो भी हो, नर और सिंह के रूप वाला जो भी प्राणी हो, चाहे उसको कोई कुछ भी बोलते हो, मैं पकड़ के ले आऊंगा।
न देखी भूख, न देखी प्यास, न देखा आराम, न देखी प्रतिकूलता, जंगल का चप्पा चप्पा खोज मारा। हर प्राणियों को पहचानने की विद्या में से सुसज्ज आज अपने संकल्प की पूर्ति में लगभग विफलता की कगार पर आ खड़ा हुआ है। दिशाएं सुन ले, नभचर सुन ले, आकाशचारी सुन ले, यक्ष गंधर्व किन्नर सुन ले, मैंने संत के आगे वचन किया है। अगर 24 घंटे पूरे होते ही मुझे वो प्राणी नहीं मिलता तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगा। अब वो अंतर्यामी प्राण परमात्मा तो जानते हैं कि दृढ़ निश्चयी है, व्रतधारी है। 24 घंटे होने को जा रहे थे, ये तलवार निकाल के गले में भोंक देगा तो मेरी भक्त वसलता लज्जित होगी, मेरा अंतर्यामी पना कहां रहेगा। मैं सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वव्यापक प्राणी मात्र का सुहृद हूं, उस जगत नियता ने, उसी अंतर चैतन्य ने नरसी के रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। वो प्राणी बहुत मुश्किल से आए, कहां से आए, अभी मैं तुम्हें बांधता हूं। बांध बूंद कर उस प्राणी को, आप समझ गए वो कौन प्राणी था, जिसकी सत्ता से सारे प्राणी हैं, वो प्राणियों का प्राण था। उसको बांध बूंद से घसीटता हुआ, जैसे कोई भालू को घसीट के ले जाए। भगवान ने भी स्वामी होने का मजा लिया, लेकिन अब घसीटते हुए खींचे जाने का भी मजा लेना है उनको। मानो अकेले में भगवान बोर हो जाते हैं, क्या क्या स्वांग रचते और रचाते। वो नरसी हिरण्यकश्यप को तो नाखों का शिकार बना दिया, लेकिन इस बयाना राजा के आगे बांधना स्वीकार कर लिया। जैसे यशोदा के बंधन को स्वीकार कर लिया, ऐसे अति विकास नगरी के राजा बयाना के द्वारा बंधे जा रहे, गुफा के बाहर पहुंचे, महाराज जी महाराज जी, ओ नरसी, नर और सिंह का एक साथ में रूप वाला प्राणी आज ही मैंने देखा है, ये प्राणी को पकड़ लाया, आओ आओ देखो। महाराज बाहर आए देखे, लेकिन राजा दिख रहा है उनके हाथ में दो रस्सा दिख रहा है, लेकिन नरसी नहीं दिख रहे। आंखों से पानी बरसता है कि प्रभु, वर्षों तक मैंने अनुष्ठान किया आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्राप्ति के फल स्वरूप मुझे ऐसा नर रत्न मिला जो आपको पकड़ लाने का दावा कर रहा है, ये झूठ नहीं बोल सकता। महाराज इसके हाथों से पकड़े गए, लेकिन मेरी अभागी आंखें आपके रूप को नहीं पकड़ रही। कृपानाथ, मैं जैसा तैसा हूं, आपका हूं। मैंने वर्षों तक जप किया, अनुष्ठान किया देव को प्रकट करने का, लेकिन देव मेरे व्रत में मेरी निष्ठा में कचाई, इसके व्रत में इसके संकल्प में पक्कापन है, लेकिन नाथ पक्के के संग से मुझे भी पक्का बना लो नाथ। मैं खिन के न भूलनहार, पद पद पे भूल करने वाला, आप गरीब अनुवाज, हे नरसी नारायण, दर्शन देने की कृपा करो। ध्यानावसित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यश्चान्तं सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। हे प्राणी मात्र के सुहृत, देव 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 देव,
पुकार पुकार होते महाराज पुकारने वाला कहीं खो गया और जिसको पुकारता था उसका दीदार हो गया। नरसी भगवान की जय। नरसी भगवान की जय। पदम पादाचार्य ने कहा कि मेरे जगत गुरु शंकराचार्य की कृपा ने मुझे रास्ता दिखाया चंचुगद्दम गुफा में आने का और तेरा मंत्र सिद्ध होगा ये सिद्ध पुरुष के वचन ने मंत्र सिद्ध स्वरूप मेरे नारायण को प्रकट किया है। मैं तेरे से बचने के लिए थोड़ा सा चालबाजी की कि मैं एक ऐसे प्राणी को पाना चाहता हूं जिसका सिर शेर जैसा हो आधा सिंह जैसा हो आधा नरसी जैसा नर और सिंह के भी मिश्रित लेकिन है बयाना ये नरसी भगवान है। है ये प्रभु स्वयं है। रस्सा खोलते ही चरणों में गिर पड़ा। प्रभु कहते हैं मैं भक्तों के बंधन में आने का भी आनंद लेता हूँ जैसे कोई मीठा खाते खाते चरपरे का माधुर्य लेता है ऐसे बच्चे अपने बच्चों के बंधन से भी मुझे आनंद है। राजन तुम्हारे इस परोपकार को सुनकर और पदम पादाचार्य की गुरु भक्ति को सुनकर जो अपने जीवन में व्रत नियम लाएगा मैं उनके लिए सुलभ हो जाऊंगा सहज हो जाऊंगा। देखते देखते जो रस्से में बंध के आया अंतर्धान हो गया तब राजा को हुआ कि अरे महाराज आपकी कृपा से मुझे नरसी के दर्शन हुए। प्रश्नोत्तरी, शंकराचार्य जी के सद्गुरु जी का नाम क्या था? उग्र भैरव कापालिक से शंकराचार्य जी की रक्षा कैसे हुई? साखियों के अनुसार विपत्ति के साथी कौन होते हैं? परम तप क्या होता है? एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सिर पर टोपी पहनने से क्या फायदा होता है? भ्रामरी प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं? गर्मी के कारण बीमारियां होने पर क्या करना चाहिए? भोजन में कौन सी तीन प्रकार की शुद्धि होनी आवश्यक है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुमे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तार पाप की भव से है तारती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु।
वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए, काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना, देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आप अगर चाहे तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है बी। ब्रह्मसूत्र की रचना भगवान वेदव्यास जी ने की थी, जिस पर आगे जाकर आद्य शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा था।